सब्जी बना रही हूँ। और ये देखिए, ये चमचा है, सब्जी बना रही हूँ मैं। और मैंने धुएं की वजह से चश्मे का इस्तेमाल किया है, इसलिए चश्मे से मुझे धुआं नहीं लग रहा है। और बहुत शौक चला मेरे को कि मैं भी चूल्हे पे खाना बनाऊँ। बरसों पहले बनाया था, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो। आज गैस चली गई थी तो मैंने सुबह, मतलब अभी सुबह गैस चली गई थी अचानक से दोपहर में, लेकिन बुकिंग नहीं होने के कारण मैंने फिर ये रेडीमेड चूल्हा रखा हुआ था हमारे घर में, तो मैंने चूल्हा जलाया बरसों बाद। और अंडे की सब्जी मैं बना रही हूँ बच्चों की फरमाइश पे, कि आज हमें अंडे खाने हैं। वैसे भी मैं नीचे किचन में अंडे बनाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये परमानेंटली अब ये चूल्हा बना लिया है। इसी पे ये एक की करी बना रही हूँ मैं, एक करी बना रही हूँ। चुका है, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इस वजह से मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन इसकी रेसिपी मैं बता दूंगी। ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है और ये जो है बनके तैयार हो गई एक करी। अब इसमें एक उबाल आएगा और ये तैयार हो जाएगी बनके। नीना श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती है। और इस टाइम रात के 1 बज रहे हैं। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको थोड़ी सर्दी सी हो गई थी, तो मैंने विक्स की भाप वगैरह उनको दी। और इस टाइम पूरे 1 बज रहे हैं। और एक करी मैंने आपको बताई ही थी छत पे, जो मैंने बनाई है चूल्हे पे, उसमें कुछ नहीं करना है। लहसुन प्याज अदरक इसको पीस करके भूनना है, और बाकी पूरा थोड़ा सा गरम मसाला और बाकी जो धनिया मिर्ची हल्दी जो डलता है, वो तो हर एक महिला को मालूम रहता है, वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है, सब होशियार होते हैं। इसलिए जो है, और एक करी मैंने बनाई है, जो खाए वो भी बना सकता है, जो ना खाए वो भी बना सकता है। थैंक्स, मेरे सादगी के सफ़र को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।